दोस्तों, कभी भी मोबाइल रिपेयरिंग करते समय नए मैकेनिकों को SMD कंपोनेंट्स को चेंज करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। वैसे SMD मशीन की मदद से सब कुछ आसानी से हो जाता है, लेकिन किसी आप पुराने बोर्ड पे अगर प्रैक्टिकल करते हैं तो सब कुछ आपको धीरे धीरे आने लगेगा। आज की वीडियो में आपको किसी भी मोबाइल बोर्ड पे अगर माइक का प्रॉब्लम आ जाता है और उसमें SMD माइक लगा हुआ है तो उसे आप कैसे प्लेस कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग गलतियाँ करते हैं। नॉर्मली किसी भी कंपोनेंट को निकालने के लिए SMD मशीन को सीधे लगाया जाता है, लेकिन काफ़ी नाजुक पार्ट होते हैं स्पीकर और माइक। उन्हें रिप्लेस करने में काफ़ी सावधानी हमें बरतनी पड़ती हैं। दिक्कत तब आती है जब वो SMD बेस पे हों। यहाँ पर एक माइक लगा है जो SMD में है और इसे हम SMD मशीन की मदद से रिप्लेस करने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो इन फ्यूचर आप कभी भी रिपेयरिंग करेंगे तो ये दिक्कत आपके साथ कभी नहीं आएगी। यहाँ पर SMD मशीन को सबसे पहले मैं ऑन करूँगा और इस माइक के पास मैं लेके आऊँगा। पहले आपको SMD मशीन के बारे में बता दूँ, 2-3 दिन पहले इसका रिव्यू किया था। काफ़ी अच्छी SMD है और कैरी करने के लिए सबसे बेस्ट है। सबसे छोटे साइज़ में है, ऑटो में है, और यहाँ पर इसमें जो पंप होता है उसकी जगह पर यहीं पर एक फ़ैन दिया गया है जिससे यहाँ पर एयर पास होती है। इसका वीडियो देने की कोशिश करूँगा, आप ज़रूर देख लेना। अब यहाँ पर इसी की मदद से यहाँ पर इस माइक को मैं रिप्लेस करने वाला हूँ। असेंबली में एयर को 2 से 2.5 के बीच में रखूँगा और हीटर को 350 से 400 के बीच में रखूँगा। अब यहाँ पर ज़रूरत होगी एक अच्छी क्वालिटी के चिमटी या फिर ट्वीजर की। मेरे पास दो टाइप के हैं, आपके पास कोई सा भी हो चलेगा। तो इस टाइप का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने का कोशिश करूँगा, अगर चाहें तो ऑनलाइन ले सकते हैं। तो यहाँ पर असेंबली को हमेशा नीचे से लगाना है, माइक या फिर SMD जब स्पीकर को आप चेंज कर रहे हो, ठीक है। ऊपर से लगाएंगे तो यहाँ पर पर्दा जल सकता है। तो चलिए नीचे से लगाते हैं। हीटर और एयर का आपको मैंने बता दिया है। याद रखिए, हीटर से जो आपकी हॉट एयर निकल रही है वो ज़्यादा ना हो और एयर भी ज़्यादा ना हो, वरना कंपोनेंट्स उड़ सकते हैं। और इसके नीचे कोई भी कंपोनेंट्स नहीं होना चाहिए। एक बार आपको मैं दिखाना चाहूँगा, इसके नीचे कोई भी कंपोनेंट्स नहीं होना चाहिए इस तरीके से। और उस कंपोनेंट में आप बिल्कुल भी एयर मत डालिए इस तरीके से। चलिए देखते हैं कितनी देर में निकल जाता है। मैं कैमरा को थोड़ा इस तरीके से सेट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से माइक हमारा निकल चुका है। तो SMD माइक को हमेशा इस तरीके से निकाला जाता है और लगाया भी इसी तरीके से जाता है, ठीक है। हीटर का जो आपका पोजीशन रहेगा या फिर आपका SMD के नोजल रहेगा वो जस्ट नीचे होगा, ऊपर आपने बिल्कुल नहीं रखना है। सपोज कीजिए आपका ये माइक ख़राब हो चुका है और आपको ये नहीं मिल रहा है, तो इसकी जगह पे आप नॉर्मल यूनिवर्सल माइक लगा सकते हैं। बस याद रहे, इसमें 2 पॉइंट्स होने चाहिए तभी आप इसमें यूनिवर्सल लगा सकते हैं। बीच वाला इसका पॉजिटिव और बाहर का आपका इसका नेगेटिव का रहेगा। अब चलिए इसको हम इसके ऊपर इसको जस्ट यहाँ पर फिक्स करते हैं। यहाँ पर इसके पॉइंट्स आप देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर रखेंगे हम और नीचे से हीट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, चलिए पहले इसको फिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पर एक घेरा जैसा बना हुआ है, बिल्कुल जस्ट वहाँ पर फिक्स आपने करना है। चलिए, और आप इसको दबाइए मत वरना इसका जो रंग है वो फैल जाएगा। इसको इस तरीके से सेट करिए और इसके पोजीशन पे ले आइए जहाँ पर इसका मार्क बना हुआ है, बिल्कुल उस मार्क के पास में आपने इसको रखना है। देखिए, बस इसको हटा दीजिए और कुछ ही देर में सेट हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा ठंडा होने देता हूँ। चलिए ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये अपनी पोजीशन में आ चुका है। देखिए, चलिए SMD को मैं बंद कर लेता हूँ। तो इस तरीके से SMD कंपोनेंट्स को या फिर SMD माइक को लगाया या फिर निकाला जाता है। इससे आपका माइक कभी भी नहीं जलेगा और आसानी से रिप्लेस हो जाएगा। स्टार्टिंग में गलतियाँ काफ़ी लोगों से हो जाती हैं जिसमें डायरेक्ट SMD लगा देते हैं। ऐसी गलती ना करें, और ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर लेना। बाकी अदर वीडियोज़ में मैंने आपको इसमें चार्जिंग जैक है और बैटरी कनेक्टर है, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, उन्हें ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक आपको दे दूंगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो काफ़ी सारी जानकारी आप हमेशा लेते रहेंगे। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लिए गुड लक।